अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लगइन्स के ऊपर। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने थीम्स पढ़ ली है, थीम्स को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, किसी थीम को हम जो है कहाँ से इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस की डायरेक्टरी के ऊपर। तो आज का जो हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है वो है प्लगइन्स के ऊपर। तो प्लगइन्स क्या होते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो प्लगइन्स होते हैं ऐसा एक सिस्टम होता है जो कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वर्डप्रेस के अंदर नहीं होती। अच्छा, एक तरफ हम कहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल होती हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि वर्डप्रेस जो है, अगर हम इसके अंदर सारी दुनिया की सारी ही मतलब के कंटेंट जो मैनेजमेंट सिस्टम के वाले चीज़ें अगर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये एक बहुत हैवी चीज़ हो जाए, बहुत हैवी हो जाएगी वर्डप्रेस जो है। तो जब भी हम इसके ऊपर कोई वेबसाइट बनाने लगे तो वो कभी हैंग हो जाएगी, कभी इसके अंदर कोई भी ऐसा एरर आ सकता है। तो इसीलिए जो बहुत सारी चीज़ें जो प्लगइन्स की सूरत के अंदर होती हैं वो चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी ऐड नहीं की जाती, वो हमारी नीड के मुताबिक जो है उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जो कि ई कॉमर्स का स्टोर है, तो हम उसके ऊपर जो है कोई ऐसा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर हम कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकें, या उसके अंदर प्रोडक्ट का ही सारी की सारी मैनेजमेंट होगी, उसके अंदर अलग अलग से कार्ट उसके अंदर बने होंगे, उसके अंदर अलग से उसके प्रोडक्ट ऐड करने के फीचर जो हैं बने होंगे। तो इसी तरह से उसकी कोई डिस्क्रिप्शन का उसके अंदर कोई एक टैब होगा, उसके बाद उसके टाइटल का ऐड टैग होगा। तो इसी तरह से अगर हम कोई लैंडिंग पेज बनाते हैं, ब्लॉग का पेज बनाते हैं, ब्लॉग का हमने कोई वेबसाइट बनाई है ब्लॉग की, तो उसके अंदर जो है अलग से प्लगइन इंस्टॉल होगा। तो अगर हमने कोई सर्च इंजन के हिसाब से SEO की अगर हमने कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए एक अलग से प्लगइन उसके अंदर इंस्टॉल होगा। तो इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के प्लगइन्स की ज़रूरत होती है। तो वो प्लगइन्स कैसे होते हैं, जैसे कि हमने थीम्स के अंदर देखा कि बहुत सारे थीम्स ऐसे होते हैं जो कि प्रीमियम पेड होते हैं, और कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जो हमें फ्री के अंदर मिल जाते हैं। तो इसी तरह से जो प्लगइन्स होते हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह से होते हैं कि बहुत सारे थीम्स ऐसे होते हैं जो हमें वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से बिल्कुल फ्री में भी अवेलेबल हो जाते हैं, और बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे भी होते हैं जो हमें पेड यानी कि हमें पे करके लेने पड़ते हैं। तो वो कैसे लेते हैं, वो कब कब लिए जाते हैं, ये भी हम आपको प्रैक्टिकली जब आपको हम लेके जाएंगे स्क्रीन की तरफ तो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपने समझना है कि प्लगइन्स होते क्या हैं। प्लगइन्स जो होते हैं, मिसाल के तौर पर हमने कोई लॉगिन का पेज बनाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग के साथ हम तो हम कोई चीज़ कर नहीं रहे हैं। तो अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई लॉगिन का पेज बनाना है तो उसके लिए भी हमें एक अदद जो लॉगिन का जो है प्लगइन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फिर जो प्लगइन इंस्टॉल करके हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट कर देंगे तो हमारी वेबसाइट जो है उसके ऊपर जो है एक लॉगिन पाथ बन जाएगा। कोई भी यूज़र, कोई भी सब्सक्राइबर या कोई भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो वो सबसे पहले अपना साइन अप करेगा, साइन अप करने के बाद अपना अकाउंट बना के सारा चीज़ करके फिर उसके अंदर लॉगिन होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो इसी तरह से हर चीज़ का अलग अलग से प्लगइन जो है वर्डप्रेस की डायरेक्टरी के अंदर फ्री के अंदर भी अवेलेबल है, और उसको हम चाहें तो हम पेड के अंदर भी हम मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कि पेड के अंदर हम क्यों लेंगे, अगर हमने कोई लॉगिन का ही हमने कोई प्लगइन लेना है तो वो कोई हाई उसके अंदर सिक्योरिटी होगी, उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी ऐड नहीं हो सकती। फ्री के अंदर भी बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं, प्लगइन्स ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी ऐड नहीं हो सकती है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकली तौर पर हम सीखेंगे कि हमने किसी भी प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करना होता है, और पेड जो प्लगइन होते हैं वो कौन से होते हैं, और जो फ्री के अंदर प्लगइन्स होते हैं वो कौन से होते हैं। थैंक यू सो मच।